वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं अभी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, केस फोर खत्म हो गया। आज अपना केस फाइव चालू होने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट केस फाइव पे आया हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि पहले तो ये बाकी के वीडियो देख लो, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, और उसके पहले अपने सी एफ के भी वीडियोस बनाते वो भी देख लो, उसके बाद में इन वीडियोस पे आना, ठीक है। तो या फिर जो भी अगर कुछ समझ नहीं रहा होगा तो आप भी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो भी जाके पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो अपना जो केस फाइव है उसमें हमको कुछ तो भी पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो पुट क्या करना है वो बताता हूँ, पहले तो ये लिख लो इतना जितना मैं बता रहा हूँ। इंटू ए रेस टू ए एक्स इंटू वी, ठीक है। बीच में क्या करना, पुट d इज इक्वल टू डी प्लस ए, ठीक है। तो ये पी आई क्या हो जाएंगे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो ये लिख लो आप इंटू वी, ठीक है। तो इतना केस फाइव में इतना लिख लो आप। अभी अपन देखते हैं इसको, क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ जाएंगे ये कैसे आता, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना। अभी ये कैसे समझना कि ये केस फाइव है, तो जब भी अगर ई रेस टू एक्स और साथ में कोई टर्म दिखे मल्टीप्लिकेशन में तो समझ जाने कि ये केस फाइव है, ठीक है। जब भी ई रेस टू एक्स दिखे, स्पेशली ई रेस टू एक्स दिखे और उसके साथ कोई अगर टर्म इंटू मल्टीप्लाई में दिखे तो उसको समझ जाने कि केस फाइव है अपना, ठीक है। तो बाकी का तो सेम ही रहेगा, जैसे कि सॉल्यूशन रहता है अपना, गिवन लिखना पड़ता अपने को, तो ये बाकी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये इतना सॉल्व कर लेता मैं सी एफ तक, उसके बाद में पी आई देखेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट से इस वीडियो पे आए हैं तो ये कुछ समझेगा नहीं अपने को सी एफ क्या लिख रहा है, पी एफ क्या लिख रहा है। तो आप प्लीज़ जाके वो पहले की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में ये वीडियोस देखना। बट अगर आप कंटिन्यू बराबर वीडियो देख रहे हो सब तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब रूट्स निकालने इसके, इट्स रूट्स आर डी इज इक्वल टू क्या जाएगा वन और माइनस वन आता है रूट्स इसके, ठीक है। इट्स सी एफ इज CF is equal to C1 e raise to 1x plus C2 e raise to minus 1x। तो जब भी आप लिखते हो ना तो ऐसे बोल बोल के लिखा करो, क्योंकि जब बोल के लिखते हो ना अगर कुछ गलत भी हो गया तो अपने को मालूम पड़ जाए। तो अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं PI इसका, ठीक है। तो PI लिखना है अपने को, एक सेकेंड, हाँ, तो अब आपको अच्छे से लिखेंगे। अब इसका PI जब लिखेंगे अपन, PI जब लिखेंगे इसका, तो PI is equal to PI का फॉर्मूला तो अपने को पता है, एफ ऑफ डी इंटू एक्स होता है। तो एफ ऑफ डी मतलब क्या, डी स्क्वायर माइनस वन, जो अपना ऑक्सिलरी के ऊपर से आया है, ठीक है। तो डी एक्स माइनस वन डालने के बाद क्या, ये जैसे कि वैसा अपना एक्स जो रहता है उसको लिख लेना है साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो जब भी फिफ्थ केस जो है ना वो जब भी सॉल्व होती है ना तो वो कौन से केस में आती है, एक तो सेकंड में आती है या फिर थर्ड केस में आती है, दोनों में से एक केस में कौन से तो भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसको केस फाइव में क्या बोलते हैं, देखो अगर आपको ई रेस टू एक्स और किसी कोई टर्म इंटू में दिख रहा होगा आपको तो केस फाइव है। तो केस फाइव में क्या करते हैं अपन, ये ई रेस टू एक्स को इधर लेना पड़ता अपने को, मतलब केसी वैसी है, ई रेस टू एक्स इधर आता, ठीक है, ई रेस टू एक्स इधर आता, बट अपने को पहले इसमें पुट करना पड़ता। तो अभी तक अपन पुट क्या करते थे, डी इज इक्वल टू या फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू करते थे ना, तो यहाँ पे भी डी इज इक्वल टू करेंगे, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, केस फाइव क्या बोलता है, जब भी अगर ई रेस टू एक्स हो और ई रेस टू एक्स को अपने इधर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू डी प्लस ये x के साथ जो भी टर्म है उसको, मतलब d प्लस x के साथ क्या है 1, तो d प्लस 1 ये d के जगह पे डालेंगे, मतलब ये वैल्यू अपन इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट करने का काम नहीं, जैसे केस 2 केस 3 या केस 1 में करते थे अपन कैलकुलेट करते थे, वो अभी कैलकुलेट करने का काम नहीं। तो डायरेक्ट e रेस टू x इस साइड में लिख लेना अपॉन ये d की वैल्यू d स्क्वायर के अंदर डाल देना और उसका वैल्यू लिख लेना, तो d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना समझ गया। इनटू ये e रेस टू x तो इधर आ गया, मतलब ये साइन जैसे का वैसा रहेगा, तो साइन टू एक्स जैसे का वैसा रह गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व क्या करेंगे अपन, सॉल्व करने को कुछ भी नहीं, बस ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी को फॉर्मूले में। तो a प्लस बी का फॉर्मूला इसके पहले के वीडियोस में भी देखा था अपन ने, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दिख रहा, हाँ। तो ये फॉर्मूला तो आपको अभी याद ही हो गया होंगे क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका देखते अभी पहले का क्या आएगा, डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का डी स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी मतलब टू ए इंटू बी मतलब क्या आ जाएगा टू डी, 2d इंटू वन भी आता है बट 2d इंटू वन तो 1 ही आएगा ना, एंड प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये माइनस 1 बाहर का, ये इतना ब्रैकेट का है इतना, ये बाहर का माइनस 1, ये माइनस 1 भूलने जानी, अगर माइनस 1 भूल गए तो ये टर्म बहुत डिफरेंट हो जाती है, ठीक है।
अब इतना हो गया ये साइन टू एक्स जैसे का वैसा लिख दिया, ओके। इसके बाद में क्या, ई रेस टू एक्स जैसे का वैसा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी, या प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब जीरो आ जाएगा, मतलब और लिखने का काम नहीं। तो साइन टू एक्स, अभी देखो मैंने बोला था जब भी केस फाइव सॉल्व होंगी, मतलब केस फाइव सॉल्व हो गई, ये इनटू में है इसको इधर लेके गया तो इनटू में से गायब हो गई ये टर्म, ठीक है। तो अभी केस फाइव सॉल्व हो गई तो अपने को क्या मिला, अभी केस टू मिल गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कौन सा कौन से केस में आता था, सेकंड केस में। तो सेकंड केस में अपन क्या करते, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या डालते थे, माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस नहीं भूलना है जब भी केस टू हो, तो माइनस नहीं भूलना है, और केस थ्री में माइनस नहीं लगता, तो अभी तो केस टू है इसलिए केस टू से सॉल्व कर दिया। तो केस टू का अगर माइनस ए स्क्वायर डाला, तो माइनस ए स्क्वायर मतलब पता है अपने को, माइनस ए मतलब क्या रहता है टू, एक्स के साथ का टर्म, तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर, मतलब अपने को डी स्क्वायर इक्वल टू फोर डालना है, सॉरी माइनस फोर डालना है इस इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस डी स्क्वायर की जगह पे माइनस फोर डाला, मतलब इसकी जगह पे माइनस फोर आएगा एंड प्लस टू डी, डी की जगह पे तो कुछ डाल नहीं सकते, मतलब इतना ही इक्वेशन आएगा। तो इसको अपने पहले भी देखा है, इसको कैसे सॉल्व करना, अगर फोर अपॉन टू डी आया इंटू साइन टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सॉल्व किया है केस टू में, तो अगर केस टू वाला देखा नहीं होगा वीडियो तो वो देख लीजिए पहले, फिर ये बहुत ईजी जाता है, ठीक है। तो अभी देखो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको अभी वापस से क्या करना पड़ता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डालना है, पर डी तो है नहीं, तो डी की जगह पे क्या करते हैं अपन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब माइनस फोर माइनस टू डी, ये नीचे का टर्म ऊपर, पूरा नीचे का उठा के ऊपर डालना है, बस बीच में का टर्म चेंज करना है, ठीक है। अब नीचे में क्या रहता है, पूरा स्क्वायर, होल स्क्वायर, मतलब ये सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर क्या जाएगा सिक्सटीन, या माइनस जैसे इसमें प्लस हो या माइनस हो, डिनोमीटर में माइनस ही चाहिए अपने को पता है। टू का स्क्वायर क्या है फोर, डी का स्क्वायर क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आगे अपने डिनोमीटर में इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जब अपने इसके पहले भी सॉल्व किया है, अगर पहले वाली वीडियो देख चुके हो आप तो ये बहुत ईजी जाएगा। तो माइनस क्या आएगा फोर फोर, और टू का स्क्वायर फोर, तो वापस इसमें डालते हैं, इसका क्या जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर इंटू ये, ठीक है। तो इसको अपने डायरेक्ट कैलसी में डाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है थर्टी टू, ठीक है। डाल के देख लो एक बार, 16 माइनस फोर ब्रैकेट माइनस फोर इक्वल टू 32, करेक्ट है, ठीक है। 32 आ गया, पहले माइंड कैलकुलेशन किया था मैंने, बट फिर भी एक बार कैलसी में चेक कर लेना, कितना भी माइंड अच्छा हो फिर भी एक बार कैलसी में चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स, अब मैं 32 तो आ गया, मतलब ये ऊपर का जैसे का वैसा रहेगा अपॉन 32 इंटू साइन टू एक्स। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते आप, क्योंकि आप 32 लिखने की जगह पर इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिखते, बट अगर मैं समझाने के लिए ये साइन बराबर लिख रहा है, मैं सब कुछ बराबर लिखा, माइनस टू। अभी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी आई मतलब डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है। अभी टू एक्स लगा इसलिए अपने को पता है, टू एक्स साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, बट इधर टू एक्स है ना, तो टू एक्स को वापस से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा टू, और टू को क्या लिखते हैं डिवीजन इंटू में लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव रहा तो इंटू में लिखते हैं, इंटीग्रेशन रहा तो डिवाइड में लिखते हैं, तो ये आगे इतना। तो अपने इसका फाइनल आंसर क्या जाएंगे, ई रेस टू एक्स माइनस फोर साइन टू एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस ये टू टू जा फोर कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी कॉस टू एक्स अपॉन 32 सॉरी 32, ठीक है। इतना आ गया आपका आंसर, सॉरी ये साइन का कॉस आता है, मैंने डेरिवेटिव समझ लिया, ठीक है। तो ये माइनस से रहता है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, मैं गलती से इंटीग्रेशन का लगा दिया था, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये गलती हो गई थी, तो ये करेक्ट कर लेना, ये माइनस फोर साइन टू एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स, ठीक है, अपॉन 32। ये आ गया अपना पी आई, तो पी आई आ गया ये अपना, सॉरी ये पी आई आ गया, लास्ट में क्या रहता है, सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई रहता है, बट अभी सी एफ पहले पी आई पहले लिख दिया मैंने, वो सेम ही है, प्लस में रहा तो सामने पीछे रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी सी एफ प्लस पी आई लिखना, ठीक है। तो इसका वैल्यूज डाल के रख देना और ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको केस फाइव समझ तो गया ना, केस फाइव में मेन क्या करना पड़ता है अपने को, ये जो ई रेस टू एक्स है ना, ये रहा इनटू, अगर इनटू में इसके साथ कोई टर्म रहा तो समझ जाना कि ये फिफ्थ केस की टर्म है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सीधा सीधा अपने को एक्स के साथ जो टर्म है उसको डी प्लस वन, अभी अगर डी ई रेस टू टू एक्स रहता था तो डी प्लस टू आता था, अगर ई रेस टू माइनस वन रहता था तो डी माइनस वन आता था, ठीक है। वैसे इसके इसको इसकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ ही जाएगा क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखो इस क्वेश्चन में देखो ई रेस टू माइनस टू एक्स आया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना वो भी देखते हैं, पहले तो सॉल्यूशन वगैरह लिख लेते हैं अपन, सॉल्यूशन गिवन जैसे का वैसा ये लिख लेते, अगर कुछ समझ नहीं रहा हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करना, उसके हिसाब से फिर मैं इसमें थोड़ा अच्छा बदलाव कर सकता, ठीक है। पहले की वीडियोज में और अभी की वीडियोज में आपको फर्क दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। तो वो भी कैसे हुआ, जब मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये गलत हो रहा आपका, या फिर ये आपको सुधारना चाहिए,
तो उसमें मैंने बदलाव किया है, ठीक है। मेरे कमेंट्स ऑफ थे अभी तक, तो अभी कमेंट्स भी ऑन हो गए, तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर मेरे नंबर, अगर किसी को नंबर पता है मेरा तो उस पर भी मैसेज करके बोल सकते हैं मेरे को, ठीक है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, नॉइस पोल्यूशन, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत मैं भी ले रहा हूँ और ये बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा हार्ट जाता है। मीन्स कोई कोई बहुत विलेजेस में रहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ट्यूशंस करना, तो उनके लिए मैं हेल्प कर रहा, या फिर ठीक है ये मेरी भी प्रैक्टिस होती है इसके लिए मैं करता हूँ। तो आप शेयर कर दीजिए, फिर शेयर कर दिया तो सबके काम में भी आएगा, ठीक है। तो चलो सी एफ तक तो आ गया मैं बातों बातों में, ठीक है। सी एफ आ गया अपना, अब अपने इसको अपने को पी आई निकालना है। तो इट्स पी आई इज़, पी आई का फॉर्मूला लिख लेते, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। वन अपॉन एफ ऑफ डी अपने को पता है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर का अपने को लिखना पड़ता, प्लस सिक्स है, डी नहीं है, सिक्स इंटू एक्स की जगह पे क्या है, ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन टू एक्स, ये ब्लर हो गया क्या, सॉरी ठीक है, ये ब्लर हो गया था बट अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये फोकस चले जाता है कभी कभी इधर उधर, तो वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, अपने को दिख रहा है ई रेस टू एक्स है, मतलब ये अपने को समझ जाना चाहिए कि केस फाइव है, ठीक है। अब केस फाइव में क्या करते हैं अपन, ई रेस टू, जो ई रेस टू एक्स की टर्म है उसको इसके सामने लेना पड़ता, बट सामने डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको अपने को वैल्यूज डालनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। तो वैल्यूज क्या डालेंगे अपन, पहले तो ई रेस टू माइनस टू एक्स सामने ले लेते, इंटू अपने को क्या डालना पड़ता अभी, डी इज इक्वल टू, पहले क्या डाला था, डी प्लस वन डाला था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था इसलिए डी प्लस वन डाला था, बट अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, डी माइनस टू डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे माइनस टू है, अगर प्लस टू रहता था तो प्लस टू डालते थे, अब माइनस टू इसलिए माइनस टू डालते, तो डी के जगह पे डी माइनस टू डालना पड़ता इस इक्वेशन में। तो इसके इक्वेशन क्या आएगा अपन देखते इधर, तो वन अपॉन डी, डी स्क्वायर के अंदर अपने को डी माइनस वन, डी माइनस टू डालना है उसका स्क्वायर, प्लस फाइव डी के अंदर क्या डालना है, डी माइनस टू प्लस सिक्स, ठीक है। इतना समझ के अपन ने वैल्यूज कैसे डाल दिए, ये डी की वैल्यू इसमें डाली, तो डी के, डी का स्क्वायर है मतलब डी के अंदर क्या है, डी माइनस टू उसका होल स्क्वायर क्या, प्लस फाइव ये डी के अंदर डी माइनस टू प्लस सिक्स, ठीक है। इतना समझ गया, अब इसको सॉल्व करना है, ये माइनस सॉरी ये साइन टू एक्स भूल नहीं जाना, ये लिख लिया, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जैसे का वैसा रहेगा इंटू वन, अभी फॉर्मूला देखा था अपन ने ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का है, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी सिंपल फॉर्मूला है, डी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब टू ए बी है तो टू की जगह पे क्या है, फोर है, मतलब टू प्लस टू सॉरी टू इंटू टू फोर हो जाएगा, फोर डी आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर डी, फोर डी प्लस, अभी इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है अपने को, तो फाइव इंटू डी, फाइव डी आता, माइनस फाइव टू था टेन, प्लस ये सिक्स जैसे का वैसे नीचे, ठीक है। उप्स सॉरी, यहाँ पे एक, क्योंकि अपने को देखो डी का स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी हो गया, बट बी का स्क्वायर भी लेना था तो बी का स्क्वायर नहीं लिया, प्लस टू का स्क्वायर फोर आता, तो वहाँ पे जगह नहीं इसलिए अभी फोर इधर लिख लिया मैंने, ठीक है। यार आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या, रुक जाओ मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है। इसको कैसे अपने किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर था तो क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ए के जगह पे क्या था, डी था, तो डी का स्क्वायर लिया माइनस टू इंटू ए के जगह पे क्या था, डी इंटू बी के जगह पे क्या था, टू प्लस बी के जगह पे क्या था, टू उसका स्क्वायर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, डी स्क्वायर माइनस ये टू टू था फोर, ये डी प्लस टू का स्क्वायर फोर, तो ये ऐसे इतना आ गया, बट मैंने ये फोर नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये फोर मैंने यहाँ पे लिख लिया लास्ट में, वैसे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ऐसे इसका आंसर ये था, बट इधर मैं भूल गया था एक लिखना प्लस फोर, ठीक है। ये समझा समझाने में रह गया था, बट फिर भी अब याद आया तो लिख लिया, हो गया। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है, तो ऊपर का तो सेम रहेगा। अब देखो डी स्क्वायर की और कोई वैल्यू क्यों नहीं है, तो डी स्क्वायर जैसे का वैसे लिख सकते हैं अपन। अब डी के वैल्यूज दो है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का, सॉरी ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस फोर प्लस फाइव मतलब वन आता, तो इधर क्या आएगा, प्लस वन डी, ठीक है। अब इसको इतना तो हो गया डी का, तो इसको अभी सॉल्व करना है अपने को, तो सॉल्व करने का दिमाग चलाने का काम ही नहीं, डायरेक्ट एलसीएम में डाल देने का, माइनस सॉरी लाइट पड़ रहा है, देखो माइनस टेन प्लस सिक्स प्लस फोर क्या आता, जीरो। तो इसको लिखने का भी काम नहीं, प्लस जीरो फिर भी लिखे तो भी चल जाएंगे, ठीक है। इंटू साइन टू एक्स, अभी क्या आएगा इसका, अब जीरो तो आ गया इसका, अभी क्या करेंगे, अब जीरो आया, तो इधर जीरो आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। अपने को अभी देखो केस नंबर फाइव सॉल्व हो गया इधर, ठीक है। अभी अपने को दिख रहा है केस नंबर टू वापस से दिख रहा, केस नंबर टू में क्या रहता है, साइन साइन एक्स रहता है, तो केस नंबर टू में अपन क्या डालते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डालते हैं, ए स्क्वायर मतलब ये एक्स के साथ का टर्म, तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर, तो माइनस फोर को इस में डालते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस फोर प्लस डी, माइनस फोर प्लस डी आ गया, तो अपने को जीरो तो नहीं है, जीरो आया नहीं मतलब इसका डेरिवेटिव करने का कुछ काम नहीं। अगर आपको पता है पहले वीडियो देखे होंगे, अगर इस कैलकुलेशन में जीरो आया मतलब डिनोमीटर में जीरो आएगा, तो डिनोमीटर में जीरो नहीं आने दे सकते, तो इसका अपने को डेरिवेटिव करना पड़ता, बट अभी जीरो नहीं आया तो डेरिवेटिव का कोई काम नहीं, बट फिर भी आपको याद रहना चाहिए इसलिए बता दिया। अभी आप क्या आएगा, माइनस फोर प्लस डी इंटू साइन टू एक्स,
अभी वैल्यूज तो अभी देखा था इसके पहले भी अपन ने, क्यों इतना शेक हो रहा है। तो ये इसके पहले की वीडियो में देखा, सॉरी इसके पहले को क्वेश्चन में भी देखा था, अगर ऐसा रहा तो क्या करना है अपने को, ठीक है। तो जो पूरी टर्म ऊपर लिख देनी है, बस उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। नीचे में उसका होल स्क्वायर, फोर का स्क्वायर क्या है 16 माइनस, ये नीचे में कभी भी माइनस रखना है, ठीक है। इधर प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे कभी भी माइनस ही रहना चाहिए। एंड डी का स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो डी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पुट करनी है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या डालना पड़ता है, वापस से अपने को माइनस फोर डालना पड़ता। तो माइनस फोर अगर डाला तो 16 माइनस, ये माइनस फोर कितना हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 20 आ जाता है आंसर, ठीक है। अभी 20 तो आ गया, अब 20 को कैसे लिखेंगे, इसको कहाँ पे लिखना पड़ता है, डिनोमीटर में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 20 अपने को आ गया पता है, तो अपने को एक स्टेप देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम पड़ गई। तो देखो जब 20 आ गया अपने को पता है, तो बाकी का स्टेप्स तो सेम रहेगा ना, मतलब एक स्टेप आप कम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 20 डायरेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट आप 20 लिख लो, और ये जो था ये ऊपर का अपने को ये इंटू करना पड़ता है, साइन टू एक्स को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट 20 लिख लिया, उसके बाद में अपन माइनस फोर साइन टू एक्स माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या था, कॉस कॉस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स क्या आता है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स क्या था, कॉस टू एक्स आता है इंटू टू आता है, क्योंकि टू एक्स को अपन को वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ गए, अपने एक स्टेप, अपन ने एक स्टेप कैंसिल कर दी, मतलब वापस से इधर अपने को 20 लिखना पड़ता था, उसके बाद में ये ऊपर माइनस फोर माइनस डी लिखना पड़ता था, उसके नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप आती थी, बट एक स्टेप ऐसे अपन कैंसिल भी कर सकते, ठीक है। अगर अपने को अच्छे से समझता हूँ, माइंड कैलकुलेशन अच्छी हो, तो ये भी अपन कर सकते, ठीक है। अब साइन टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स अपन 20, अपना पी आई आ गया, ठीक है। अभी पी आई तो आ गया, पी आई आ गया, लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, इट्स सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। ये हो गया अपने दो क्वेश्चन, क्या क्या हो गए, केस टू के, सॉरी सॉरी केस फाइव के, अभी दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एंड केस देखो, केस फाइव को अपन जब भी केस फाइव सॉल्व होंगी, ये केस टू में कन्वर्ट होती है, ये ध्यान में, एक तो केस टू में कन्वर्ट होंगी या फिर केस थ्री में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है, उसको अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देना है अपने को, गिवन देना है, सॉरी लिखना है, देना नहीं है, लिखना है, जैसे अभी तक लिखते आए 4d प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू 2x। तो अभी इतना हो गया, गिवन लिख लिया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इन ब्रैकेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू 2x, ठीक है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में क्या, इसका रूट्स, इट्स रूट्स आर d इज इक्वल टू 2, 2, तो 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आने पर देखो बहुत दिनों के बाद अपना रियल एंड इक्वल रूट्स आया है, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल का सी एफ कैसा था आपने को पता है, रियल एंड इक्वल का c1 प्लस c2x फिर ई रेज टू 2x, ठीक है। जब भी रियल आता है आपने को पता है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, ऐसी की ये पूरी सीरीज रहती है, ठीक है। तो जितने टर्म्स रहेंगे उसके हिसाब से अपने को लिखता है, जितने रूट्स रहेंगे उतने C1 C2 बढ़ेंगे। बट अभी उसका वो नहीं सिखाना है अपने को, केस फाइव चालू है, बट फिर भी याद आ गया ये, अच्छा भूल नहीं जाना चाहिए इसलिए आपको बता दिया वापस से, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल का सी एफ आ गया, अब इसका अपने को पी आई निकालना है। तो इसका पी आई क्या आएगा, अभी इट्स पी आई इज लिखना था बट इज इक्वल टू दे दिया, तो जान दो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/d इनटू एक्स। तो 1/f(d) की जगह पे अपने को मालूम है क्या डालना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर का ब्रैकेट, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इनटू एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स रेस टू ई रेस टू 2x, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ई रेस टू एक्स तो उस साइड में है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड में रहो या उल्ट साइड में रहो, ई रेस टू एक्स है ना, मतलब अपने को समझ जाना चाहिए कि ये केस फाइव है, ई रेस टू एक्स है तो 2x है या 4x है वो नहीं देखना है, ई रेस टू एक्स है ना, तो समझ जाता अपने को भी ये फिफ्थ केस में है, ठीक है। तो अभी अपने को इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो ई रेस टू एक्स तो इस साइड में आ जाएगा, सॉरी ई रेस टू 2x इस साइड में आ जाएगा, बट अपने को डी इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, डी प्लस 2, इसके पहले केस में माइनस 2 था बट अभी 2 है तो प्लस 2 यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा डी की जगह पे, ठीक है। तो ये जैसे कि वैसे लिख लेते अपन, डी स्क्वायर की जगह पे क्या जाएगा, डी प्लस 2 जाएगा, ठीक है, माइनस 4 ये डी की जगह पे डी प्लस 2, इसके पहले के जैसे ही क्वेश्चन हो गया ये, बस ये लास्ट में जो एक्स है उसको कैसे सॉल्व करना होगा थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा आपको, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देख लो, सॉल्व भी करते जाओ या एक ये भी देखते जाओ कहाँ पे अपनी गलती हो रही है, फिर कहाँ पे मैं भी गलत हो सकता हूँ कभी कभी, तो कमेंट्स में वो भी बताते जाओ। तो डी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए था, डी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 2 4d, तो 4d आएगा प्लस 2 2 2 स्क्वायर 4 माइनस ये 4d माइनस ये माइनस 4 से करना पड़ता पूरे ब्रैकेट को, तो माइनस 4 इंटू 2 4 2 8 ये माइनस की साइन प्लस 4। तो अभी अगर ध्यान से देखो आप, ये एक्स रह जाता
अब अगर ध्यान से देखो तो जब अपन नीचे में लिखते अपन, ठीक है, तो जब भी लिखते हैं अब डी स्क्वायर तो कुछ भी किस कोई भी नहीं, डी स्क्वायर कट करने के लिए तो डी स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ये जो माइनस फोर डी है और ये प्लस फोर डी है, तो लाइक टर्म्स है और प्लस माइनस है, तो ये दोनों भी कट हो जाते, ठीक है, दोनों कट हो गए। अब रह गया क्या, फोर माइनस एट और प्लस फोर, मतलब ये क्या हो जाती, प्लस ये प्लस फोर एट हो जाती है, और एट माइनस एट ये भी जीरो हो जाता। तो वैसे तो माइंड कैलकुलेशन से हो जाता, बट अगर फिर भी माइंड कैलकुलेशन अच्छे से जमता नहीं होगा तो फोर माइनस एट प्लस फोर डाल देना, जीरो आ जाता है आंसर, ठीक है, इंटू एक्स। तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, तो क्योंकि नीचे में डी एक्स सॉरी डी रेस टू टू आ गया, एंड अपने को पता है जब भी एक्स रहता है, एक्स मतलब ये अभी देखो कौन से टर्म में आ गया, केस नंबर फोर में आ गया, जैसे अपनी इसके पहले भी किया था केस नंबर फोर, तो केस नंबर में फोर, केस नंबर फोर में क्या था, अब ये कोई ना कोई में कन्वर्ट होगी, ऐसे नहीं कि सेकंड और थर्ड में कंपलसरी है कि सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट होगी, किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक्स रेस टू वन है, तो एक्स रेस टू वन है, तो इसमें इसके पहले अपन ने क्या देखा था, अगर एक्स रेस टू वन है मतलब केस फोर है ये, ठीक है, तो केस फोर में क्या करना पड़ता है, अपने को डिनोमिनेटर से वन वन लेना पड़ता था, उसके बाद में बहुत कुछ था केस फोर, अभी अभी अपने वीडियोस हो गए उस पर, तो अगर याद होगा अपने को तो डिनोमिनेटर से वन निकालना पड़ता है, लास्ट टर्म कॉमन लेनी पड़ती, बट इसमें कुछ वैसा करने को है ही नहीं ना, एक ही टर्म है, तो अपने को क्या हो गया अभी, तो इसको अपने को अपन ने देखा था जब भी अगर एक ही एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है, मतलब जब भी वन अपॉइंट डी स्क्वायर है, अपन ने एक बार देखा था वन अपॉइंट डी स्क्वायर था, तो उसका डबल डेरिवेटिव होता है एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन में देखा था कभी भी, तो भी उसमें बहुत सारे डबल डेरिवेटिव करके दिखाए थे मैंने, ठीक है, तो ई रेस टू टू एक्स तो जैसे कि वैसे रहेगा, अब तो पहला एक डेरिवेटिव करते हैं, इतने इसका अपन डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, इतने इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, ये मेरे मुंह में क्या पता डेरिवेटिव क्यों आता है, बट ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स का क्या होगा, अपने को पता है एक्स एन का फॉर्मूला लगता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एन प्लस वन होता है अपॉन एन प्लस वन होता है, ये फॉर्मूले तो आपको याद रहनी चाहिए अभी, तो एक्स रेस टू वन है मतलब एक्स वन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस वन मतलब वन प्लस वन टू अपॉन टू, तो ये पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ मैं, बट फिर भी क्या पता वापस से समझा रहा हूँ मैं, इतना समझाने का काम नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। तो अब देखो उसमें बहुत बड़ी टर्म सॉल्व की थी अपन ने, शायद तीन टर्म्स थी, उसको सॉल्व किया था डबल डेरिवेटिव से, तो ये तो एक ही टर्म, इतना का एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, बट फिर भी किसी को उसको नहीं समझेगा तो वो कर देता अभी, तो इसमें से देखो वन बाई टू तो बाहर निकल जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होगा, एन प्लस वन मतलब टू प्लस वन, तो एक्स प्लस टू प्लस वन क्या आएगा थ्री, एन नीचे भी लिखने पड़ते हैं तो थ्री, ठीक है, ये अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो वी रेस टू टू एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री टू द सिक्स, ये आ गया अपना पी आई, ठीक है, इतना पी आई आ गया अपना, पी आई आने के बाद कुछ भी नहीं, अपने को पता है ये क्या करना पड़ता, ये पी आई हो गया, अपने को पता है लास्ट में लिखना पड़ता है इट्स सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू लिखना ना, पी आई की वैल्यू लिख देना और आंसर हो गया अपना, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अपने को अभी देखना है जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, ये आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।